क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड इंडियंस के बीच में इतना पॉपुलर क्यों है? अगर आप सोच रहे हो कि थाईलैंड अपने रंगीन नाइट लाइफ या सुंदर बीचेस के लिए फेमस है तो एक बार फिर से सोच लीजिए। थाईलैंड के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये इंडियंस के बीच में पहले फॉरेन टूर का सबसे पहला चॉइस रहता है। और क्यों नहीं रहेगा भाई, इधर वीजा ऑन अराइवल है, आपके डे टू डे खर्चे काफी कम है और आप अगर सही से प्लानिंग करो तो गोवा के 5 दिन के ट्रिप से भी सस्ता थाईलैंड का ट्रिप बना के आप आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं थाईलैंड से जुड़ी हुई सारी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ जो आपको एकदम ही जबरदस्त थाईलैंड की ट्रिप प्लान करने में मदद करेगा। तो रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। सबसे पहले जानते हैं कि थाईलैंड जाने का सबसे मेजर एडवांटेज क्या है हमारे लिए। थाईलैंड इंडिया से सिर्फ 4.5 घंटे की दूरी है बाय फ्लाइट और बहुत ही आसान तरीके से आपके पासपोर्ट पे सबसे पहले स्टैंप लगाने का ये स्ट्रेस फ्री तरीका है। इधर काफी बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी है और इंडियंस को अच्छी तरह भी ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हर टाइप की एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे सुंदर साइट सीइंग हो या रॉकिंग नाइट लाइफ हो के थाई मसाजेस हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि ये बजट के अंदर आपको सारी की सारी उपलब्ध हो जाती है। थाईलैंड का क्लाइमेट और थाईलैंड की वेदर इतनी अच्छी है कि बेसिकली ये एक ऑल ईयर राउंड वाली डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हो। पर अगर आपको पीक टूरिस्ट सीजन जानना ही है तो ये है नवंबर से लेके अप्रैल महीना, तभी गर्मी इतनी नहीं रहती है, बारिश भी नहीं होता है और मॉडरेटली ठंडा रहता है ताकि आपको इतना प्रॉब्लम भी ना हो एडजस्ट करने के लिए। बट उसके अलावा अगर आपको पैसे बचाने हैं और अगर आपको बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में भी वहां पे जा सकते हो। बारिश हल्की हल्की सी रहती है, ज्यादा मतलब फुल डे गिरने वाली नहीं होती है यहाँ, और इसके लिए वहां पे बहुत कम टूरिस्ट भी रहते हैं और आराम से आप वहां पे चिल भी कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। थाईलैंड जाने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है बाय एयर। आप बाय रोड भी जा सकते हो पर ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। और इसके अलावा अगर आपको पानी से जाना है तो स्विमिंग इज द ओनली ऑप्शन। इंडिया से कोई बोट या क्रूज शिप नहीं जाती है थाईलैंड के लिए। अगर आप फ्लाइट पकड़ के ही जा रहे हो तो ध्यान रखिए कि 3 महीने पहले कम से कम आप इसकी बुकिंग कीजिए तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट प्राइस मिलने का सबसे हाईएस्ट चांस है। कभी कभी लक अच्छा होता है तो कैलकटा से ऐसे सिटी से आपको 12-13 हजार रुपए में भी राउंड ट्रिप हो जाती है थाईलैंड की। वैसे तो थाईलैंड में जाने के लिए आपको 2 टाइप की फ्लाइट सर्विसेज भी अवेलेबल है, एक है फुल सर्विस एयरलाइंस और दूसरी है बजट एयरलाइंस। फुल सर्विस एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, विस्तारा या एयर इंडिया अगर आप लेके जाओगे, आपकी मील्स इंक्लूसिव रहेगी, लिकर इंक्लूसिव रहेगा उसके अंदर, एज वेल एज 25 किलो का बैगेज अलाउंस रहता है और कैंसिलेशन और डिले के बहुत ही मिनिमम चांसेस रहते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट्स रहते हैं और इसकी राउंड ट्रिप एनीवेयर आपको 22 से 24 हजार के बीच में पड़ जाती है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से। और जो बजट एयरलाइंस है उसमें आपको थाई एयर एशिया, स्कूट या थाई स्माइल एयरवेज का ऑप्शंस मिल जाता है। इसमें आपको फ्लाइट में बेसिकली ओनली 7 kg का बैगेज अलाउंस अलाउड रहता है, मील्स बिल्कुल भी नहीं सर्व करते और पानी तक खरीद के लेना पड़ता है। लेग रूम भी कभी कभी बहुत क्रैम्प्ड रहता है और फ्लाइट्स की कैंसिलेशन या डिलेज की भी हाई पॉसिबिलिटी रहती है। बट इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कम से कम 12-16-17 हजार के बीच में थाईलैंड की ट्रिप आराम से कर सकते हो। सो अगर आपको ये जमता है तो यू शुड डू इट, इट विल सेव योर मनी, क्योंकि फ्लाइट ओनली 4.5 घंटे की है मेजर अलग अलग सिटीज से टू बैंकॉक। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको थाईलैंड में जाने के लिए जो वीजा का प्रोसेस है अभी पूरा आपको समझा देता हूँ। थाईलैंड में जाने के लिए आपको बेसिकली 3 टाइप की वीजा अवेलेबल है एज ए इंडियन। सबसे आसान वाला है वीजा ऑन अराइवल, इसका फीस है राउंड अबाउट 2200 बात जो पड़ जाता है आपको 5000 से 5500 रुपीज के बीच में। इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस आपकी फ्लाइट टिकट बुक करनी है, अगर आपके पास स्टे बुक्ड है तो और भी अच्छा होगा, और उसके अलावा आपको 1-2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। और जो फॉर्म जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो आपको अगर डाउनलोड करके लेके जाओगे और फिल करके रखोगे तो काफी आसान हो जाएगा। जैसे आप काउंटर पे पहुंचोगे एकदम ही सिंपल है, फीस दे दीजिए, आपको रिसीट देंगे, इमिग्रेशन वाला बुलाएगा, कभी कभी डॉक्यूमेंट चेक होता है, मोस्टली नहीं होता है, और उसके बाद आपको 30 डेज का वीजा ऑन अराइवल स्टैम्प लग जाता है। ध्यान रखिए कि कोई कोई केसेस में लोग कहते हैं कि 20,000 बात कैरी करना जरूरी है,
मैं अभी तक दो बार थाईलैंड जा चुका हूँ और मुझे आज तक ये पूछा नहीं गया है, बट जस्ट टू विजिट आप करेंसी कैरी कर लीजिए 2-5 हज़ार और बाकी क्रेडिट कार्ड भी दिखाएंगे या डेबिट कार्ड दिखाएंगे तो भी काम हो जाएगा। सेकेंड टाइप की जो वीज़ा है जो एकदम ही आसान है और सबसे सस्ती है वो है आपको इंडिया से फुल्ली स्टैम्प या स्टिकर वीज़ा लेके जा सकते हो आप। तो अगर आपको स्टिकर वीज़ा लेके जाना है तो आपके कोई भी शहर में अगर VFS की सेंटर हो जिसका वेबसाइट का लिंक वंस अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चेक कर लीजिए। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई ये सारे जगह में हो तो आपको काफ़ी आसानी से वहाँ पे अपॉइंटमेंट लोगे। आपको सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन जो वीज़ा ऑन अराइवल की है वही देनी है, बस एक्स्ट्रा है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद मिनिमम 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट मेंटेन होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। और आपको वहाँ पे 2700 रुपीज में 30-90 डेज की वीज़ा फुल्ली स्टैम्प मिल जाती है। ये सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता और टेंशन फ्री तरीका है ताकि आप जब थाईलैंड के एयरपोर्ट में पहुंचो तो आपको इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम या लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। और आखिरी सबसे फास्टेस्ट पर सबसे महंगा तरीका है जो है ई वीज़ा लेके जाना। आप जो अभी थाईलैंड एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये सारे जो लिस्ट है चेकलिस्ट सिंपल सी है जो आप फॉलो करोगे, आप वो ईमेल कर दोगे उनको आपके जो भी फोटोज और पासपोर्ट के साथ में, तो आपको एक ई वीज़ा का लेटर आ जाएगा। आपको केवल इसका प्रिंटआउट लेना है और प्रिंटआउट लेने के बाद जब आप थाईलैंड पहुंचोगे तो इमिग्रेशन में आप दिखा दोगे तो आपको 30-60 डेज का 90 डेज का वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। ध्यान रखिए कि ये सबसे महंगा बट क्विकेस्ट है, इसमें 3 दिन तो लग ही जाते हैं ईमेल में सब कुछ ले दे के करने के लिए, बट आपको इसका फीस लगभग 7,000 रुपीज पड़ेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये है मेजरली 3 टाइप के वीजा जो इंडियन को मिल जाते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू थाईलैंड। नेक्स्ट अभी जानते हैं कि आपका थाईलैंड का डेली बजट कितना होना चाहिए। तो इसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। एक है आपका सोलो ट्रैवलर या बजट ट्रैवलर, दूसरा है कपल्स या दोस्तों का ग्रुप और तीसरा है फैमिली। तो ये तीनों के अलग अलग सेगमेंट्स आपको पड़ेंगे खर्चे के हिसाब से। थाईलैंड में स्टे ऑप्शंस कोई ज्यादा महंगे नहीं है, आपको हर प्राइस पॉइंट में हर टाइप का स्टे मिल जाता है। अगर आप एज अ सोलो ट्रैवलर या बैकपैकर जा रहे हो तो आपको हॉस्टल रूम्स 250-300 से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाती है। अगर आपको खुद का प्राइवेट रूम चाहिए बेसिक वाला तो एनीवेयर बिटवीन 1200-1500 रुपया पड़ जाता है। अगर आपको एज अ कपल जाना है 3-स्टार कैटेगरी के होटल्स रूम में ही रहना है तो एनीवेयर बिटवीन 3,500-5,000 के बीच में आपको बहुत ही बढ़िया रूम्स मिल जाते हैं। और लास्ट में अगर आपको लग्जरी चाहिए तो 5-स्टार होटल्स के रूम आपको 6,000 onward से शुरू होते हैं एंड देन स्काई इज द लिमिट। सो थाईलैंड में कहीं भी रहने के लिए आपको रूम्स की दिक्कत नहीं होगी। थाईलैंड में आपको ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे कि आप बैंकॉक जैसे सिटी में जाते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बढ़िया है, आपको बस और मेट्रो की नेटवर्क्स यूजुअली 50-100 रुपए के बीच में बहुत सारे जगहों पे पहुंचा देती है। इसके अलावा आपको टैक्सी कैब्स पकड़ने हैं तो आप वहाँ पे ग्रैब ऐप यूज कर सकते हो जो बहुत ही कन्वीनियंट है और काफ़ी एक्यूरेट प्राइस दिखाता है, और वही रेट्स के हिसाब से आप नॉर्मल टैक्सीज भी चाहिए तो बार्गेन करके पकड़ सकते हो। आप वहाँ पे बाइक रेंट नहीं ले सकते हो बैंकॉक में क्योंकि बहुत ही बड़ा सिटी और ट्रैफिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सो ये ऑप्शन वहाँ पे ये सिटी में नहीं है। बट आप पुकेत में जाओगे, अगर आप पटाया जाओगे तो आपको बाइक रेंटल काफ़ी इजीली मिल जाती है जो आपको 500-800 के बीच में वेरी होती है। कभी आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है तो कभी आपको पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है। और ध्यान रखिए इंटरनेशनल लाइसेंस रहेगा आपके पास ड्राइविंग तो काफ़ी अच्छा है, आप सेफर साइड पर रहोगे क्योंकि एक्सीडेंट या कुछ हो गए तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। सो इसके लिए यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी थाईलैंड की आइटिनरी कैसे आपको बनानी चाहिए। बेसिकली थाईलैंड में 3 ऐसे डेस्टिनेशन है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। एक है बैंकॉक, दूसरा है पटाया और तीसरा है पुकेत या उसके बाजू में क्रावी। तो आप यहाँ पे जहां पे भी जा रहे हो आपको बैंकॉक और फुकेत ये आपका स्टार्ट या एंड पॉइंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से इंडिया जाने के लिए फ्लाइट्स आपको काफी आसानी से मिल जाती है। बट इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं वीडियो को बैंकॉक से शुरू करूंगा और फुकेत में एंड करने वाला हूँ। तो अभी स्क्रीन में मैं आपको एक सैंपल आइटिनरी बता देता हूँ जिसमें आप बैंकॉक, पटाया एंड पुकेत तीनों जगह आप ऐड कर सकते हो। आपको जैसे भी चाहिए उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए आप बैंकॉक में कम से कम 2 nights and 3 days स्पेंड कर सकते हैं और आप ये सारे जगह जा सकते हो जिसमें आप टेंपल्स,
शॉपिंग्स एज वेल एज नाइट लाइफ, ये तीनों चीज मैं अलग अलग सेगमेंट्स में आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। इसके अलावा आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आपको सॉय कॉबॉय और नाना प्लाजा, ये दो अलग जगह है जो आप विजिट कर सकते हो बैंकॉक में। इसकी सारी फुल लेंथ वीडियोस मैंने बनाई है अपने चैनल में व्लॉग फॉर्मेट में, आप ऊपर आई बटन दबा के सारा प्लेलिस्ट देख सकते हो। बैंकॉक के बाद आप पटाया जा सकते हो और पटाया जाने के लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका रहता है बाय रोड, क्योंकि ये बैंकॉक से ओनली 200 किलोमीटर अवे है। आप बस पकड़ के जाओगे तो आपको 350 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा एसी बस का, और इसके अलावा टैक्सी पकड़ के जा रहे हो तो समझ लीजिए 4 की शेयरिंग में आपको राउंड अबाउट 1000 रुपया पड़ जाएगा। 2 घंटा से 2.5 घंटा लगता है पहुंचने के लिए और रोड और जर्नी काफी बढ़िया है। वंस अगेन इसकी सारी फुल लेंथ व्लॉग्स ट्रैवल की मैंने अपने चैनल पे लगाई है, आप देख सकते हो। पटाया में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 नाइट रखिए और 3 डेज रखिए, तो उसके हिसाब से आप वहां पे ढेर सारे जो जगह है साइट सीइंग करने के लिए आप जा सकते हो। और इसके अलावा सबको पता है पटाया मेजरली एक रेड लाइट एरिया है, तो वहां पे आपको अडल्ट नाइट लाइफ या नाइट क्लब जाना है तो ये आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और आखिर में आपके ट्रिप को खत्म करने के लिए आप जा सकते हो क्राबी में या पुकेट में। आपको वहां पे जाने के लिए सबसे आसान तरीका होगा फ्लाइट पकड़ के जाना, जिसमें आप ओनली 2500 से लेके 3000 के बीच में आप फ्लाइट पकड़ के 1 hour 15 minutes में पहुंच सकते हो। बाय रोड भी जा सकते हो पर मोर ऑर लेस आपको ये ओवरनाइट जर्नी पड़ जाएगी, तो आपका दिन वेस्ट हो जाएगा और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं पड़ता है प्राइस वाइज, कुछ 1000 रुपए का प्लस माइनस है। अभी पुकेट में आपको जो भी जगह जाना है वो सारा मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें मेजरली आपको नाइट लाइफ एंड बीच डेस्टिनेशन ही है, तो उस हिसाब से आप रिलैक्सेशन के हिसाब से इसको प्लान कीजिए और कम से कम यहाँ पे 3 दिन रखिए बिफोर यू एंड योर ट्रिप और व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रिप। सो ऑल इन ऑल ये सारे जगह है जहाँ पे आप बहुत ही आराम से एंड कन्वीनियंटली थाईलैंड में आप जा सकते हो एंड फुल एक्सपीरियंस लेके एंजॉय कर सकते हो इसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग थाईलैंड में आखिर में जिस चीज के लिए जाते हैं उसके बारे में। बेसिकली थाईलैंड की नाइट लाइफ और थोड़ा बहुत वहाँ का जो अडल्ट नाइट लाइफ है उसका सीन। अगर आपको पूरी बात में बताओ तो ये है कि थाईलैंड में आपको नाइट लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको पार्टी करना है, आपको बहुत अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स में जाना है, सुबह तक अगर आपको फुल ऑन एनर्जेटिक पार्टी सीन चाहिए तो बैंकॉक और पटाया जैसा कोई जगह है ही नहीं। बट इसके अलावा बहुत सारे लोग जो अडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं उसका भी आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे बैंकॉक में एंड पटाया में मेजरली आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बार्स मिलेंगे जहाँ पे सारी टाइप की अडल्ट एक्टिविटीज चलती है। किसी में आपको डांसिंग चल रही है तो किसी में आउटराइट गर्ल आपको कंपनी दे रही है, फलाना फलाना, ये सारी चीजें हैं। सॉय कॉबॉय और नाना प्लाजा ये 2 जगह है जो बैंकॉक में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये सारी एक्टिविटीज के लिए, और इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया मेरे थाईलैंड के ट्रिप पे, ऊपर आई बटन दबा के पूरा चेक कर लीजिए। बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है उधर, आपको सेफ रहना है, थोड़ा केयरफुल रहना है, और जो हद है आपकी वो पार मत कीजिए, तो आप एक्चुअली में जा सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। इसके अलावा पटाया दूसरा बड़ा हब है जहाँ पे सेम चीज बेसिकली पूरी सिटी में फैली हुई है। आपको हर प्राइस पॉइंट में हर चैक की चीज, हर टाइप की लाइकिंग, ये सारी चीजें होती है, उसका भी पूरा वॉकिंग स्ट्रीट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन दबा के पूरा देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑल इन ऑल आपको ये एक आखिरी चीज बता देता हूँ ये सेगमेंट में कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। गलती से भी ये सोचिए मत कि वहाँ पे लीगल है, तो इसके लिए जरा केयरफुल रहिए। ऑल्दो वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स लोग भी अदर वे कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं होती है, बट ऐसा एंथुजियास्टिक या एग्रेसिव ना हो जाए कि आप प्रॉब्लम में आ जाए। आफ्टर ऑल ये दूसरी कंट्री है, अगर लॉज उनको आपके ऊपर लागू करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो जरा इस चीज़ का ध्यान रखिए। व्हाटएवर यू डू, डू इट सेफली एंड डू इट विद इन रीजन एंड एंजॉय कीजिए, दैट शुड बी योर मेन फोकस अराउंड इट। इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड में आपको सेफ कैसा रहना चाहिए, या इज थाईलैंड एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ अनसेफ फॉर अस पीपल। सही बात बोलो तो सेफ्टी इन एनी कंट्री आपकी प्योरली डिपेंड होती है कि आप बिहेव कैसे करते हो और आप अपने लेवल पे कितना प्रिकॉशन लेते हो। बट इसका यह मतलब नहीं है कि स्कैम करने वाले नहीं है थाईलैंड में।
ऑफ कोर्स आप हर जगह पर जाओगे थाईलैंड में कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्कैम चलते ही रहेगा, जैसे कि टुकटुक वाले आपसे ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे राइड्स के लिए। आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ अलग अलग टाइप के स्कैम हो सकते हैं, कोई लेडी बॉय स्कैम हो सकता है, कहाँ पर ड्रिंक्स का स्कैम हो सकता है, तो कहीं पर आपको जो होटल रूम का स्कैम है वो भी आपके साथ हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो तो होनी है। कई कई होटल्स में वो जानबूझ के इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज या जो एशिया के हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी फॉल्स एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी फेक पुलिस वाला स्कैम रहता है हरासमेंट करने के लिए, होटल रूम में आपका कोई इस्त्री पेटी टूट गया या आपकी चाय की केतली खराब है ऐसे बोल के आपके साथ स्कैम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक फुल लेंथ एक्सटेंसिव वीडियो मैंने ऊपर आई लिंक पर डाला है, वो चेक कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, आपको सारा आइडिया आ जाएगा कि इंडियंस के साथ क्या क्या टाइप के आप स्कैम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। इस सेगमेंट में हम जानने वाले हैं कि आपकी थाईलैंड की ट्रिप में एज ए इंडियन आपको क्या सारी चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो बोल देता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आप अपने साथ आपके लाइकिंग के हिसाब से जो है खाना थोड़ा कैरी कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में जैसे थेपला वगैरह है, पराठे वगैरह है, वो दो तीन दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो MDR के या आपको जो आते हैं हिंदुस्तान यूनिवर के जो फूड आते हैं पैकेट, जो आप पानी में डाल के से या माइक्रोवेव में डाल के खा सकते हो, तो दाल मखनी, दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, ये सारी कॉम्बिनेशंस मिल जाती है, वो कैरी कीजिए। मैंने किया था क्योंकि कुछ दिनों बाद इंडियन फूड भी वहाँ पे, जिससे मैंने आपको बताया, काफ़ी महंगा है और टेस्ट के हिसाब से भी नहीं मिलता है। सो ये आपको एक बहुत हद तक हेल्प करेगा आपकी कॉस्ट नीचे रखने के लिए, और आप चिड़चिड़े भी नहीं रहोगे क्योंकि इंडियन फूड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो प्रीमिक्स है चाय की या कॉफ़ी की, वो भी कैरी कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय वहाँ पे डंकी नहीं मिलती है, तो मुझ जैसे अगर आपको सुबह का चाय लगता है तो ये जो है आप कैरी करने वीडियो मत। इसके अलावा चिल्लर सामान जो है, जैसे कि आपको सनस्क्रीन है, सनग्लासेस है, कैप है, अगर आप बारिश के आसपास जा रहे हो तो छाता या रेनकोट, ये कैरी करने भूलिए मत। कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा, आप साइट सीइंग कर रहे हो ऑफकोर्स उसके लिए। और साथ में जो है आपको जो आपकी दवाइयाँ वगैरह है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ कैरी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके गोलियाँ वहाँ पे अगर कस्टम्स वालों ने, इमिग्रेशन वालों ने भूले भटके में रोक भी लिया, तो आप बता सकते हो कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भले छोटी सी चीज़ें हैं, पर कभी कभी अगर आप 7-8-10 दिन के ट्रिप पर जा रहे हो तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। तो गाइस, दैट वाज इट, ये था पूरा वीडियो आपका थाईलैंड के टूर गाइड का। अगर आप पहली बार कहाँ पे भी जा रहे हो एंड इफ थाईलैंड इज द डेस्टिनेशन, अभी आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। थाईलैंड कोई डिफिकल्ट जगह नहीं है जाने के लिए, इनफैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, थोड़े रीसेंट पास्ट में क्योंकि हमारी करेंसी थोड़ी सी हल्की वीक हो गई है बोल के थाई बात थोड़ा महंगा लगा है, पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आने वाले कुछ महीनों में या एक साल में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड वंस अगेन इट विल बी अ चीप डेस्टिनेशन फॉर यू टू गो। तो अगर आपको पार्टी करना है, आपको जस्ट साइट सीइंग करना है, रिलैक्सेशन करना है, हनीमून बनाना, ये सारी जानकारी आज मैंने दे दी है। तो इस वीडियो को लाइक करने भूलिए मत, बहुत सारा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा बाय सेंडिंग इट टू देम बाय व्हाट्सएप। तो तभी तक मिलते हैं जल्द, स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।